हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टेक्नो मोबाइल के स्वाइप डाउन मेन्यू प्रॉब्लम को कैसे 100% ठीक करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, तो चलिए सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च बार का एक ऑप्शन मिलेगा, इस सर्च बार में क्लिक करना है और लिखना है रीसेट। तो जैसे रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली या रीसेट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सभी मोबाइल में होता है, तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली या रीसेट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके अपने मोबाइल के सेटिंग को रीसेट कर देना है। कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, आपका फ़ोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जैसे पहला था और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। नोटिफिकेशन काम करेगा, इस प्रकार स्लाइड करेंगे तो वर्क करेगा। या फिर गाइस, अगर आपके फ़ोन में सर्च वाला ऑप्शन नहीं है या नहीं आ रहा है सर्च करने पर, तो फिर क्या करना है, सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, फिर आपको आ जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी एडिशनल सेटिंग्स। तो गाइस, ये सभी मोबाइल में होती है सेटिंग, आपको थोड़ा चेक करना है कहाँ पर है, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है, फिर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली या रीसेट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपने सेटिंग को आप यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं। फिर गाइस, इतना करने के बाद बैक आना है और अब अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन को चेक कर लेना है, नोटिफिकेशन बार को कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रीबूट या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, तब भी आपका मोबाइल 100% सही हो जाएगा। अब गाइस, इतना सब कुछ करने के बाद क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में फिर से जाना है, फिर आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, इस देखिए ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इंटरनेट को चालू करके इस पर क्लिक करना, चेक करना कि आपका फ़ोन अपडेट है कि नहीं है। अगर अपडेट नहीं रहेगा, यहाँ पर अपडेट शो होगा, तो अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना। जो भी न्यू अपडेट्स आते रहते हैं सब यहाँ पर आपके फ़ोन के मिल जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगी 100% सही हो जाएगी। तो इन तरीक़ों से गाइस आप सही कर सकते हैं, आपका नोटिफिकेशन बार 100% वर्क करेगा, सही से चलेगा। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।